दक्षिण अफ्रीका के नामीबिया से 8 चीते भारत आ चुके हैं, वो भी खास दिन, खास इसलिए क्योंकि इस दिन देश के प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन होता है। इन चीतों को पीएम ने मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा। इसके साथ ही भारत में 74 साल बाद फिर से चीतों की आवाज सुनाई दी। जैसा कि आप जानते ही हैं कि चीते 1952 में भारत से विलुप्त हो गए थे, अब 70 साल बाद चीतों की भारत में वापसी हुई है। इन 8 चीतों में 5 फीमेल, 3 मेल चीते, 5 मादा चीतों की उम्र 2 से 5 साल के बीच है, 3 नर चीतों की उम्र 4.5 साल से 5.5 साल के बीच है। यकीनन देश के लिए ऐतिहासिक पल है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दशकों पहले जैव विविधता की सदियों पुरानी जो कड़ी टूट गई थी, विलुप्त हो गई थी, आज हमें उसे फिर से जोड़ने का मौका मिला है। ये विश्वास है वो चीता को अपने ही देश में कूनो नेशनल पार्क में दौड़ता देख पाएंगे। चीता के जरिए आज हमारे जंगल और जीवन उसका एक बड़ा शून्य भर रहा है। साथियों, आज 21वीं सदी का भारत पूरी दुनिया को संदेश दे रहा है कि इकोनॉमी और इकोलॉजी कोई विरोधाभासी क्षेत्र नहीं है। पर्यावरण की रक्षा के साथ ही देश की प्रगति भी हो सकती है, ये भारत ने दुनिया को करके दिखाया है। आज एक और हम विश्व की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में शामिल है तो साथ ही देश के वन क्षेत्रों का विस्तार भी तेजी से हो रहा है। साथियों, 2014 में हमारी सरकार बनने के बाद से देश में करीब करीब 250 नए संरक्षित क्षेत्र जोड़े गए हैं। नामीबिया से 9000 किलोमीटर का सफर तय करके ये चीते मध्य प्रदेश पहुंचे। नामीबिया से पहले ये चीते ग्वालियर एयरपोर्ट पर पहुंचे और वहां से मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क ले जाए गए। चीता आज हर कोई इनका स्वागत क्यों कर रहा है, क्यों चीते को रफ्तार का बादशाह कहा जाता है, चलिए अब आपको वो भी बताते हैं। चीता दुनिया भर का वो जानवर है जिसे रफ्तार का बादशाह कहा जाता है, आप उसे बुलेट रफ्तार भी कह सकते हैं। चीता पलक झपकते शिकार इसके जबड़े में होता है और मिनट भर में उसका काम तमाम। इसी वजह से चीते को शिकार मशीन भी कहा जाता है। चलिए बात चीते की है तो फिर कुछ दिलचस्प बातें भी आपको बताते हैं जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे और आप कहने को मजबूर हो जाएंगे कि चीता भी दरिया दिल्ली में जीता है। चीता हर सेकंड में लगाता है 4 छलांग 120 किलोमीटर प्रति घंटा। टॉप स्पीड पर चीते की 23 फीट या 7 मीटर लंबी छलांग। चीता हर एक सेकंड में ऐसी 4 छलांग लगाते हुए दौड़ता है। रिकॉर्ड की गई अधिकतम रफ्तार 98 किलोमीटर घंटा। ये स्पीड ओहिया के सिनसिनाटी जू में 2012 में फीमेल चीता सारा ने हासिल की थी। 2016 में 15 साल की उम्र में सारा की मौत हो गई थी। चीते की रिकॉर्ड रफ्तार अधिकतम 1 मिनट के लिए रह सकती है। यह अपनी फुल स्पीड से सिर्फ 450 मीटर दूर तक ही दौड़ सकता है। चीता 3 सेकंड में 96 किलोमीटर घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है, जैसे फोर्ड जीटी की सुपर कार रफ्तार पकड़ती है। चीता सिर्फ 3 सेकंड में ही अपनी रफ्तार 96 किलोमीटर घंटे से घटाकर 23 किलोमीटर घंटे की रफ्तार कर सकता है। शिकार चीते के पास शिकार के लिए 1 मिनट ही होता है। किन खासियतों के चलते चीता इतना तेज दौड़ता है? लंबी और लचीली रीढ़। चीते की रीढ़ की हड्डी इतनी लंबी और लचीली होती है कि दौड़ते वक्त उसके पिछले पैर अगले पैर से आगे तक आ सकते हैं, यानी ये बाघ, शेर, तेंदुए और जगुआर के मुकाबले लंबी होती है। इसकी वजह से टॉप स्पीड पर चीता 23 फीट यानी कि करीब 7 मीटर लंबी छलांग लगा सकता है, बड़े जानवरों का शिकार नहीं कर पाता। तेज रफ्तार के लिए लचीली लंबी रीढ़ के साथ हल्का वजन भी चाहिए। हल्के वजन वाला अकेला शिकारी होने की वजह से चीता बड़े जानवर का शिकार नहीं कर पाता और उसे बार बार शिकार करना पड़ता है। छोटा सर चीते का सिर बाघ, शेर, तेंदुए और जगुआर की तुलना में काफी छोटा होता है। इससे तेज रफ्तार के दौरान उसके सिर से टकराने वाली हवा का प्रतिरोध यानी कि एयर रेजिस्टेंस काफी कम हो जाता है। चीते की खोपड़ी पतली हड्डियों से बनी होती है, इससे उसके सिर का वजन भी कम हो जाता है। हवा के रेजिस्टेंस को कम करने के लिए चीते के कान बहुत छोटे होते हैं।
बड़े नथुने और बड़ी श्वास नली। 100 से 120 किलोमीटर घंटे की टॉप स्पीड से दौड़ने के लिए चीते की मांसपेशियों को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इस ऑक्सीजन की सप्लाई को बरकरार रखने के लिए चीते के नथुनों के साथ श्वास नली भी मोटी होती है, ताकि वो कम बार सांस लेकर भी ज्यादा ऑक्सीजन शरीर में पहुंचा सके। कई बार शिकार हाथ से निकल जाता है। चीते की छोटी खोपड़ी में बड़े नथुनों को जगह देने के लिए उसके चारों कैनिन टीथ छोटे होते हैं। जबड़े की मांसपेशियां भी कमजोर होती हैं, इस वजह से अक्सर शिकार पकड़ में आने के बावजूद भी छूट जाता है। दूर से शिकार की पहचान करने वाली आंख। चीते की आंख सीधी दिशा में होती है, इसकी वजह से वो कई मील दूर तक आसानी से देख सकता है। इससे चीते को अंदाजा हो जाता है कि उसका शिकार कितनी दूरी पर है। इसकी आंखों में इमेज स्टेबलाइजेशन सिस्टम होता है, इसकी वजह से वो तेज रफ्तार में दौड़ते वक्त भी अपने शिकार पर पूरा फोकस बनाए रखता है। एक मिनट में शिकार का काम तमाम कर देता है। चीता अपने शिकार का पीछा अक्सर 200 से 230 फीट यानी कि 60 से 70 मीटर के दायरे में ही करता है। वो शिकार के करीब आने के इंतजार में छिपा होता है। इसके लिए वो अपने ब्लैक स्पॉट का सहारा लेता है। जहां छुपने की जगह नहीं होती तो वो चीता 220 मीटर के दायरे में आते ही शिकार पर हमला कर देता है। और हाँ, चीते की एक और दिलचस्प बात है, वो ये कि चीता अपने शिकार का पीछा आमतौर पर एक मिनट तक करता है। अगर इस दौरान वो उसे नहीं मार पाता तो उसका पीछा करना छोड़ देता है। वो अपने पंजे का इस्तेमाल कर शिकार की पूंछ पकड़कर लटक जाता है, या तो पंजे के जरिए शिकार की हड्डियां तोड़ देता है। फीमेल चीते को 9 श्रावकों को पालने की जिम्मेदारी। तमाम रिसर्च बताती हैं कि फीमेल चीते की जिंदगी काफी मुश्किल होती है। इन्हें औसतन 9 श्रावकों को अकेले ही पालना होता है, यानी उन्हें हर रोज शिकार करना पड़ता है। शिकार के दौरान श्रावकों को खतरनाक जानवरों से बचाने की भी जिम्मेदारी होती है। फीमेल के मुकाबले मेल चीते अपना गैंग भी बनाते हैं, यानी एक झुंड में 4 से 5 चीते होते हैं। इनमें ज्यादातर तो भाई ही होते हैं, कई बार झुंड में भारी सदस्य भी शामिल हो जाते हैं। इतना ही नहीं, अरब देशों में तो चीतों के बच्चों को पालने के लिए खरीदा जाता है। इनकी कीमत $10,000 यानी कि 8 लाख रुपए तक होती है। ये भी चीतों की तस्करी और खात्मे की बड़ी वजह है। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिरकार इतने लंबे अरसे तक, जब तक 1952 में चीते विलुप्त हो गए, तो फिर भारत में इसे वापस लाने का प्रयास क्या किया गया। दरअसल प्रयास कई बार हुए। 2008 में मनमोहन सरकार के वक्त जब जयराम रमेश प्रधानमंत्री थे, तब भी एक प्रयास हुआ, मगर कोर्ट ने रोक लगा दी। मगर साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने नाबिया से चीते को लाने को हरी झंडी दे दी। फिलहाल सरकार ने इस पूरी परियोजना के लिए 91 करोड़ का बजट निर्धारित किया है। भारत में चीता दोबारा लौट आया है। भारत में तो चीते को विलुप्त हुए 7 दशक से ज्यादा बीत गए। वन्य जीव वैज्ञानिकों का कहना था कि भारत में चीतों की आबादी बनाए रखने के लिए कुल 35 से 45 चीते होने जरूरी हैं, और इसके लिए अगले 5 सालों तक हर साल 4 से 8 चीते हिंदुस्तान लाए जाएंगे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत में आखिरी बार 1948 को चीता देखा गया था। 1948 में सरगुजा के महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने 3 चीतों का शिकार किया, और यही भारत के आखिरी चीते थे। भारत ने 1952 में चीतों के खत्म होने की घोषणा कर दी। लेकिन 17 सितंबर 2022 का दिन देश के लिए ऐतिहासिक बन गया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर देश को चीते के रूप में यह रिटर्न गिफ्ट दिया है, यानी चीता रिटर्न्स। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।